Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी गरम मसाला की रेसिपी. तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 3 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड यानी धनिया पाव और धनिया खड़ी हुई, ब्लैक पेपर लिया है, ग्रीन कार्डमम यानी 25 पीसेस मैंने यहाँ पे इलायची के गिन के आप ले सकते हैं 25 या फिर 1 टेबल स्पून प्लस हाफ यानी 1.5 टेबल स्पून आप ले सकते हैं इलायची. मैंने साथ में लिया है 3 स्टार एनिस जिसे बागवान के फूल भी कहते हैं. साथ में इसके अलावा मैंने लिया है ब्लैक पेपर कॉर्न 2 टेबल स्पून भर करके आप ले सकते हैं. और इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे ये नटमेग, और नटमेग मैंने लिया हुआ है जिसे जायफल कहते हैं 1.5. और ज़ीरा लिया है, साथ में मैंने सौंफ लिया हुआ है 2 टेबल स्पून. और लौंग ली है मैंने इसके अलावा, तो लौंग जाएगा 2 टेबल स्पून. साथ में मैंने लिए इसके अलावा लेना है दालचीनी, तो दालचीनी के मैं 3 से 4 स्टिक लूँगी. 3 से 4 स्टिक लिया है मीडियम साइज़ के, और इसको आप शायद तोड़ के छोटा भी कर सकते हैं. ड्राई रेड चिली यानी सूखी कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो मैंने 4 लिए, इससे जो गरम मसाला उसमें थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा. और 3 तेज़पत्ते लिए हुए हैं, और ऑप्शनल है, बहुत से लोग तेज़पत्ता डालते हैं, बहुत लोग नहीं भी डालते हैं. तब एक लेंगे पैन और पैन में डाल देंगे धनिया. तो जो पैन है वो पैन जो है बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड नहीं होना चाहिए. मींस आप जैसे मैं हाथ से टच कर रही हूँ इतना गर्म हो कि आपका जो हाथ है वो बियर कर पाए, मींस बर्दाश्त कर पाए उसकी हीट को. इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना फिर गर्म मसाला नहीं वो कुछ और दम फिर रोस्टेड हो जाएगा सब. तो इसको बहुत लाइट, मींस जब इसकी खुशबू भी निकलने लगे और कलर भी चेंज ना हो गर्म मसाले का, बिल्कुल लो होना चाहिए. क्योंकि जो पहले के टाइम में जो गरम मसाले बना करते थे तो लोग उसे रोस्ट नहीं करते थे, सिर्फ उसे धूप में दिखाते थे और उसके बाद उसे पीस लिया जाता था. तो इसी तरह से मैंने ज़ीरा भी भून लेना है, सौंफ भून लेना है, और सारी चीज़ें मैं वैसे ही भूनूंगी. तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें यहाँ भून रही हूँ. धनिया भूनी मैंने, फिर सौंफ भूना मैंने, अब मैं भून रही हूँ ज़ीरा. तो ज़ीरे को भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसमें से धुआं निकल रहा है, लेकिन आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि मैंने जो ज़ीरा है उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया. ये पॉप होना स्टार्ट हो गए हैं ज़ीरा, लेकिन आप देखिए कलर बिल्कुल सेम वैसे ही है. तो बस बिल्कुल हल्का हल्का इनको रोस्ट करेंगे कि जस्ट इन्हेंस हो जाए सारे जो होल स्पाइसेस के फ्लेवर हैं और उनकी जो खुशबू है वो निकल के आने लगे. इसका मेन पर्पज़ बस यही है रोस्ट करने का. उसके बाद मैंने इसमें डाल दी काली मिर्ची, ये मैंने ब्लैक वाली इलायची, ग्रीन इलायची यानी बड़ी और छोटी इलायची, लौंग डाल दी मैंने, साथ में जाएगा इसके अंदर बागवान के फूल, और मैंने नटमेग डाल दिया यानी जायफल, दालचीनी, सूखी हुई लाल मिर्च और तेज़पत्ता. ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी और इन सबको मैं बिल्कुल लाइटली ड्राई रोस्ट कर लूँगी. आप चाहें तो बड़ी इलायची जो है उसका मुँह खोल दें, तोड़ के तब डालें, क्योंकि इसके अंदर जो सीड्स होती हैं फिर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो उसको खोल के भी आप डाल सकते हैं. तो उसके बाद इसको अच्छा सा ड्राई रोस्ट करें, जैसे ही इसमें से थोड़ी स्मेल रिलीज़ होने लगे, और उसके बाद आप इसको भी एक बोल में निकाल लें. तो इन सबको मैंने हल्का हल्का ड्राई रोस्ट किया, थोड़ा ठंडा हो जाए. उसके बाद इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे, जो मिक्सर का सबसे छोटा वाला जार होता है उसमें आप इसे, ये बहुत ईजिली पीस जाता है. और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको आप 2 बार में भी पीस के इसका पाउडर बना सकते हैं. तो अगर अच्छे वॉट का है आपका तो पाउडर बन जाएगा, नहीं तो फिर इसको थोड़ा टाइम लगता है. तो मैंने इसको पीस लिया, मेरा 1 बार में पीस गया. आप देख सकते हैं कितना लग रहा है कि बिल्कुल ये परफेक्ट पाउडर हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें अंदर दिखते नहीं है, बट काफ़ी सारे बड़े बाइट पीसेस होते हैं जिसके टुकड़ों को हम लोग छान लेंगे. इससे जो है पाउडर अच्छा हो जाएगा. वो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह कर लेंगे तो थोड़ा सा ये अच्छा हो जाएगा पाउडर, और ज़्यादा आपका बिल्कुल फाइन. तो ये देखिए अब मैंने चाला तो कितना खड़ा मसाला, अब आप देख सकते हैं जो पाउडर था वो नीचे चला गया पाउडरी, और जो ऊपर जो खड़ा जो ड्राइनेस वाला जो जितना पार्ट था वो सारा मैं मिक्सर जार में डाल लूँगी. और इसको डालने के बाद इसको फिर से पाउडर बनाऊँगी, ताकि जो ये बड़े बड़े टुकड़े हैं ये इसको भी पीस के मैं पाउडर बना लूँगी. इसको मैंने फिर से पीस लिया और ग्राइंडर में, उसके बाद इसको भी चाल लेंगे. और इसके बाद जो ये निकला है इसको आप चाहें तो फिर से पीस लें, नहीं तो इसको रख दें. आप इसे पुलाव
गरम मसाला की तरह यूज़ कर लें, पुलाव में, तहरी में या किसी कबाब्स वगैरह में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दरदरा वाला जो पाउडर है और जो ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर करके 1.5 से 2 महीने यूज़ करें। कोशिश करें कि बस इतना ही बनाएँ कि वो 1 महीना या 2 महीना यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना यूज़ करें, फिर उसकी जो खुशबू होती है वो लाइट हो जाती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है, जिसमें भी आप डालेंगे बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।